पेश किया जा रहा है। तमाम मेरे हिंदू भाइयों को आदाब। मेरी बड़ी खुश नसीबी है सैयदना मिस्कीन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मेरी पहली हाजिरी है। सरजमीन रिवा में दूसरी मरतबा हाजिर हुआ हूँ। एक मरतबा पहले बचपने में आया था,
बच्चा तो अभी भी हूँ लेकिन छोटी सी उम्र में हाजिर हुआ था, ये उसकी बड़ी इनायतें हैं। बादशाह दो जहां मैं नामदार नबी रहमत हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंजतन पाक हुजूर गरीब नमाज गौस पाक और तमाम बुजुर्गान दीन की इनायतें हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मुख्तसर सी हम्द और एक नात आप लोगों के दरमियान नज़र कर रहा हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय साबिर भाई, अजीज़ भाई, संजू भाई, फैज़ भाई, हबीब भाई, रज्जन भाई और समी भाई, वासु साहब और तमाम लोगों से इजाज़त का तलबगार हूँ। पूरी कमेटी इजाज़त से नवाजें, आप लोग भी मुझे इजाज़त से नवाजें। हिंदुस्तान के मायनास फनकार नईम साबरी और उनकी पार्टी से भी इजाज़त जाएंगे भाई, मुख्तसर से वक्त में नज़र कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कलाम मैंने यहाँ के लिए सेलेक्ट किए हैं इंशाल्लाह पूरी रात आप लोगों को मज़ा आएगा, इस उम्मीद के साथ नज़र कर रहा हूँ। समाज फरमा चार मिसरे समात फरमाए, इसका डिले कम करो। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, क्या कहना है? बहुत टाइम बाद ऐसा क्रेज देख रहा हूं इसलिए शेर भी अच्छा पेश कर रहा हूं। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं,
क्योंकि समंदर में मिला देता है वसअत भेज देता है वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। जमाने भर के अमीरों से मत मिला मौला, फकीर शहर के घर का पता बता मौला, जलूं तो सारे जमाने को रोशनी बख्शू, चराग दीन बना कर मुझे जला मौला। किसी ने अजमत और शोहरत की भी मांगी है, क्या मांगी है? किसी ने अजमत और शोहरत की भीख मांगी है, किसी ने इज्जत और शरवत की भीख मांगी है। हमारा पेशा मोहब्बत है, इसलिए नाजिर खुदा से हमने मोहब्बत की भीख मांगी है। एक ऐसी सरजमीन है जहां हिंदू मुसलमान एक होके रहते हैं और एकता की मिसाल है, रहते हैं जहां हिंदू मुसलमान शान से। एक इल्तजा है क्योंकि जिस घर में जिस परिवार में सब बच्चे मोहब्बती हों उस परिवार को फल और फूल लगते हैं। तो चार मिसरे सुने के रहते हैं जहां हिंदू मुसलमान शान से। भारत एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, होली दिवाली ईद सभी मिलके मनाएं, अमनो अमा रहे मेरे हिंदुस्तान में। जहाँ कहीं भी मदीने की बात चलती है, हल्का सा लाउड करना, जहाँ कहीं भी मदीने की बात चलती है वहां तो दिन की तरह होके रात चलती है, चलती है। अनीस खोटा है सिक्का चला दे ऐ मौला, तेरे इशारे पे तो कायनात चलती है। एक ऐसा मसला नजर कर रहा हूं और ये हमद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, आले रसूल हैं आप। मतले पर तवज्जो चाहूंगा, किससे मांगे ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। किससे मांगे किससे मांगे, कहां जाए किससे कहे, किससे मांगे कहां जाए किससे कहे, और दुनिया कौन है।
किससे मांगे चचा मिया, किससे मांगे कहा जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। पहला शेर नजर कर रहा हूं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ एक एक शेर का आप लोग मजा लेंगे। इंदौर वाला शौक पप्पू भाई पूर्व पार्षद हैं, साबिर भाई, वासु खान साहब, उनके छोटे भाई और तमाम लोगों से तवज्जो चाहूंगा। मैं इंतजा करूंगा, नाम बोलने से कव्वाली का तसलसल टूटता है। आप माशाल्लाह नामवर लोग हैं, आप लोगों को नाम बुलवाने की जरूरत है ही नहीं। क्या बात है, सिर्फ कव्वाली सुने मजा आएगा इंशाल्लाह। हर इंसान को ये जोम ये घमंड रहता है कि मैं जो करता हूं, मेरे जो फैसले होते हैं वो सही होते हैं। लेकिन एक आले रसूल नजर करते हैं, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा धरा कौन है। जितने भी आशिक रसूल बैठे हैं थोड़ा शार्प करके लाउड करो इसको ताकि समझ में आए शेर। हेलो तमाम आशिकाने मुस्तफा की नजर, ये दो मिसरे कर रहा हूं। दौलत के तमन्नाई को जरदार बना दे, दौलत के तमन्नाई को
मुख्तार बना दे, हमको बुलावे अहमद मुख्तार बना दे, हमको बुलावे अहमद मुख्तार बना दे, वो खुलते बारी अरश का जीना भी दिखा दे, वो खुलते बारी अरश का जीना भी दिखा दे, वो खुलते बारी अरश का जीना भी दिखा दे, अजमेर दिखाया है मदीना भी दिखा दे, तेरे सरजमीन रिवा पर तमाम आशिकान मुस्तफ़ा बैठे हैं, ये बताएं तुम में से मदीना कौन कौन जाना चाहता है? रईस अंसारी साहब कहते हैं यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अकदस पे जाने की, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, कनात एक कनात ये के आदत एक मुट्ठी जौ मंगाने की, सखावत ये के भर दी झोलियां सारे जमाने की, मदीना में भी जा सकता हूं लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, अरे लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। तमाम तमाम आशिकाने मुस्तफा की नजर ये मिसरे कर रहा हूं। पूरी कमेटी तवज्जो दे, मेरे कलम में वो पाकीज़ा रोशनाई दे, के बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे, झुकी झुकी सी जबीन हरम दिखाई दे, जहां हुजूर का नक्शे कदम दिखाई दे, जन्नत में उस जगह रखना, मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना, मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना, जहां से तेरे नबी का हरम दिखाई दे, ऐसा कुर्ता पहन के आए मैं डर गया, मैं बोला शेर कौन खड़ा है पीछे, नाम बाबा नहीं है काम भी बाबा वाला है, ये मुझे बहुत बड़ी कंठा से नवाजा है उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूं। जी 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 आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनानी है। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब मख्ते में फरमाते हैं, अहले फिक्रो नजर अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, नजर जानते हैं तुझे, रजा
समझ ऐ नसीर इसको तू फजले बारी वरना तेरी तरफ दे प्रोग्राम बाबू शाम रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कह दो सुभान अल्लाह।